नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, मैंने आपसे पिछली बार वादा किया था कि मैं SPDSS में डीप एडिटिंग, इसके अंदर फीचर्स क्या क्या हैं, मैं बारीकी से इसकी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों, वादा के मुताबिक मैं आज हाजिर हूँ आपकी सेवा में। तो आइए हम लोग चेक करते हैं SPDSS में फीचर क्या क्या है, इसके अंदर कौन से मेन्यू में जाके मुझे क्या करना है, साउंड एडिट कैसे होगा, FX असाइन कैसे होगा, हमारे SPDSS की साउंड क्वालिटी कैसे बोल्ड होगी, इसकी साउंड क्वालिटी कैसे अच्छी होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग SPDSS में मेन्यू चेक करते हैं कि मेन्यू में क्या क्या है। मेन्यू चेक करने के लिए सबसे पहले मेन्यू बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही मेन्यू बटन प्रेस करेंगे तो देखिए, इसमें बहुत सारे मेन्यू आ गए हैं। यहाँ पे किट है, पैड, FX, सिस्टम, सेटअप, यूटिलिटी। दोस्तों, किट में आप केवल किट का पैरामीटर सेटिंग कर सकते हैं। जनरली आप जो साउंड एडिट करते हैं, साउंड एडिटिंग आपको पैड में मिलेगा। और ये सब साउंड असाइन करने के बाद जब आपको FX असाइन करना है, तो FX असाइन करने के लिए आपको FX में आना पड़ेगा। क्योंकि ये SPD20 से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसका किट सेटिंग अलग, पैड सेटिंग अलग और FX सेटिंग अलग दिया गया है। तो आपको बारी बारी से ये तीनों किट, तीनों मेनू का यूज करते हुए आपको किट बनाना है। उसके बाद सिस्टम, सेटअप, यूटिलिटी। दोस्तों, सिस्टम परमानेंट सेटिंग है, सेटअप भी आपका परमानेंट सेटिंग है। यूटिलिटी में आप पेन ड्राइव से कोई भी साउंड ले सकते हैं और SPDSS साउंड को पेन ड्राइव में डाल सकते हैं। तो अब आइए हम लोग किट के अंदर जाते हैं सबसे पहले और देखते हैं किट के अंदर क्या क्या फीचर है। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं मेनू बटन के अंदर क्या क्या है। आप जैसे ही मेनू बटन प्रेस करेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखाई पड़ेगा किट। दोस्तों, किट के अंदर जब आप इन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉमन, आउटपुट एंड मीडी। दोस्तों, कॉमन में तीन सिस्टम दिए हुए हैं, किट वॉल्यूम। दोस्तों, किट वॉल्यूम कहने का मतलब आपने जो ओवरऑल पूरे पैड के अंदर, पूरे 9 पैड आपने जो असाइन किया, 9 पैड में 9 साउंड आपने असाइन किया, ये सबका एक साथ वॉल्यूम कम या ज्यादा कर सकते हैं। किट वॉल्यूम कहने का मतलब आपने जो पूरा किट बनाया, किट ओवरऑल का वॉल्यूम कंट्रोल करना, ये दोस्तों किट वॉल्यूम कहलाता है। उसके बाद किट टेम्पो, आप यदि इसमें फ्रेज यूज कर रहे हैं, लूप यूज कर रहे हैं, तो लूप का टेम्पो कितना होगा ये आप प्री डिसाइड, पहले से डिसाइड करके यहां रख सकते हैं। आप यहां देख सकते हैं मैंने की टेम्पो रखा है 72.5। उसके बाद नीचे आता है पैड लिंक। दोस्तों, ये पैड लिंक रोलैंड ने एक नया सिस्टम जारी किया है, एक नया सिस्टम यूज किया है, नया सिस्टम आपके लिए दिया है SPDSS में। पैड लिंक बोलने का मतलब कि आप दो पैड का साउंड एक पैड से प्ले कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पे किक लगा के रखा, यहाँ पे स्नेयर लगा के रखा, यदि दोनों पैड को आप लिंक करेंगे, किसी एक पैड को हिट करेंगे इधर से या इधर से, ये दोनों साउंड एक साथ प्रोड्यूस होगा। इस सिस्टम का नाम है पैड लिंक। अब इसके बाद बारी आती है आउटपुट की। दोस्तों, आउटपुट में आप देख सकते हैं यहाँ पे किट FX दिया हुआ है। आप जो भी साउंड असाइन करते हैं, साउंड असाइन करने के बाद यदि आपको FX यूज करना है तो इस पैरामीटर को यूज करना जरूरी है। जब तक ये पैरामीटर आप टच नहीं करेंगे, आपके साउंड में FX असाइन नहीं होगा। दोस्तों, मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूं, आपके SPDSS में यदि आपने साउंड असाइन कर लिया उसके बाद आपको FX यूज करना है तो ये पैरामीटर टच करना बहुत जरूरी है। यदि आप ये पैरामीटर टच नहीं करेंगे तो साउंड इफेक्ट का आप यूज नहीं कर पाएंगे। ये यूज करने के लिए आपको सीधा सा दो स्विच दबाना है। अभी देख सकते हैं हमने यहाँ पे किक हिट किया, किक अभी हमारा ड्राई साउंड आ रहा है, डायरेक्ट साउंड आ रहा है, इसमें कोई इफेक्ट मिक्स नहीं है। अब यदि FX1 को ये क्रॉस होते हुए, अभी देखिए ये जो एरो मार्क है क्रॉस होते हुए यहाँ पे आ रहा है, यदि क्रॉस होते हो मास्टर और हेडफोन्स की तरफ जा रहा है, मतलब आपके साउंड में FX1 असाइन हो गया। अब यदि आप चाहते हैं कि FX2 भी इसमें यूज करना है, मतलब FX1 के अलावा आप FX2 यदि यूज करना चाह रहे हैं, एक बार और प्लस का बटन दबाएंगे तो आपका साउंड जो आपने असाइन करके रखा है उसमें FX2 असाइन होगा और FX2 का भी आउटपुट मास्टर और हेडफोन में। यदि इसके अलावा आपको मास्टर में साउंड नहीं डालना है, आपको सब आउटपुट, आप सेपरेट मॉनिटर यूज कर रहे हैं, तो सेकंड आप यूज कर सकते हैं, केवल हेडफोन्स में जाएगा या फिर डायरेक्ट सब आउट में जाएगा। ये आप ग्राफ देख सकते हैं, अभी यहां से जो वायर निकली है ये FX1 FX2 दोनों में से किसी को टच नहीं किया, ये डायरेक्ट यहां से निकल के सब आउटपुट और फोन्स में जा रहा है। यदि इस कंडीशन में है तो दोस्तों आपके साउंड में जो भी आपने साउंड असाइन किया वो साउंड डायरेक्ट सब्स आउट और फोन्स आउट में जाएगा, अभी ये साउंड मास्टर में नहीं जाएगा। यदि आपको मास्टर में ड्राई साउंड चाहिए तो उसके लिए ऐसा पैरामीटर होना जरूरी है, ऐसा ग्राफ बनना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे SPDSS में साउंड इफेक्ट कैसे यूज करते हैं।
दोस्तों ये केवल साउंड इफेक्ट राउट करने के सिस्टम में बताया। अब साउंड इफेक्ट में एडिट कैसे करते हैं दोस्तों, ये तीसरे मेनू में है। तो अभी इसके बाद हम लोग तभी देखते हैं, पहला मेनू में हम लोग किट के अंदर कॉमन, कॉमन के बाद आउटपुट, आउटपुट के बाद मीडी। तो दोस्तों मीडी के लिए मैं F3 बटन दबा रहा हूँ। अभी मीडी में आप देख सकते हैं, मीडी इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, मीडी के लिए ग्लोबल चैनल, मीडी नोट नंबर, एक्सटर्नल कंट्रोल और गेट, ये तीन चीज आप यूज करके एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह किट का पैरामीटर पूरा टच करने के बाद, किट का पैरामीटर कंप्लीट यूज करने के बाद, अब आपको आना है पैड में। दोस्तों ये SPDSX पैड का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेन्यू है, जिसके अंदर आप साउंड असाइन करते हैं, आप जो वेव यूज करते हैं वो वेव आप असाइन कर सकते हैं। इसके अंदर इंटर करते हैं दोस्तों, इंटर करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है कि वेव, आप जो SPDSX के अंदर जो भी साउंड डाल के रखे हैं उसका नाम यहाँ पे डिटेल लिखा रहेगा और वो कौन से बैंक पे पड़ा हुआ है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ 0004, ये बैंक पे हमारा साउंड रखा हुआ है। उसके नीचे वॉल्यूम है, उसके बाद पैन, म्यूट ग्रुप। दोस्तों म्यूट ग्रुप मैं पिछले वीडियो में कई बार शेयर कर चुका हूँ, म्यूट ग्रुप का सिर्फ इतना काम है एक साउंड से दूसरे साउंड को बंद करना। यदि आपने कोई पहला साउंड बजा के रखा, पहला लूप बजा के रखा या पहला सिंबल्स बज रहे हैं, आपको सिंबल्स यदि बंद करने हैं दूसरे पैड से, तो आप उसको हिट करके सिंबल्स का साउंड या कोई भी दूसरा साउंड को म्यूट कर सकते हैं, ये म्यूट ग्रुप है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे टेम्पो सिंक। दोस्तों टेम्पो सिंक स्पेशली आप लूप के लिए यूज कर सकते हैं, टेम्पो सिंक केवल लूप में यूज होगा। यदि आपने कोई लूप डाल के रखा है और यदि आप चाहते हैं कि उसका टेम्पो मैं रियल टाइम में कंट्रोल करूं, उसके लिए टेम्पो सिंक ऑन होना बहुत जरूरी है। यदि आप टेम्पो सिंक ऑन रखेंगे तो अपने लूप को आप रियल टाइम में कंट्रोल कर सकते हैं, उसका टेम्पो कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब मेन मेनू चेक करने के बाद आप देखते हैं इसमें मोड। मोड क्या है कि आप जो साउंड यूज कर रहे हैं, आपने जो भी वेव इसमें यूज किया, वो साउंड को आपको यूज कैसे करना है, सिंगल यूज करना है या लूप यूज करना है। यदि आपको सिंगल यूज करना है तो यहाँ पर सिंगल असाइन करना है। यदि आपको साउंड लूप मोड में रखना है, कंटिन्यूटी मोड में रखना है, उससे फ्रेज बनाना है, तो इसका यहाँ पे टेम्पलेट मोड चेंज करना पड़ेगा। ये मोड यहाँ फ्रेज में भी है, लूप में भी है, जो आपको सुविधा हो आप यूज कर सकते हैं। यदि सिंगल साउंड आप यूज कर रहे हैं, वन स्ट्रोक वाला साउंड यूज कर रहे हैं, सिंगल स्ट्रोक करके प्ले करना है, उसके लिए सिंगल यूज करना है। यदि आपको लूप बजाना है, लूप के लिए लूप मोड में रखना पड़ेगा। अब उसके बाद उसके ठीक नीचे आप देख रहे हैं लूप। तो दोस्तों लूप का भी मोड होता है, ये लूप का मोड इसलिए है, जनरली क्या होता है कि आप हिट करते हैं तो स्टार्ट होता है, दोबारा हिट करते हैं तो स्टॉप होता है। लेकिन आपके SPDSX में एक नया फंक्शन दिया हुआ है दोस्तों। नया फंक्शन क्या है, आप चाहें तो अपने लूप को दो बार चालू कर सकते हैं, दो बार के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। यदि आपने इसको मल्टीपल 4 करके रखा है, मतलब वो लूप चार बार बजेगा, चार बार के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, आपको बंद करने की जरूरत नहीं है। ऐसा फीचर मल्टीपल 8 है। यदि आपने मल्टीपल 8 असाइन करके रखा है तो आपका लूप ऑटोमेटिक 8 बार बजेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। और दोस्तों उसके बाद दिया हुआ ट्रिगर टाइप, ट्रिगर टाइप में आपको अल्टरनेट रखना है या शॉर्ट रखना है। दोस्तों यदि आप अल्टरनेट रखेंगे तो पहली बार हिट करेंगे तो स्टार्ट होगा, दूसरी बार हिट करेंगे तो स्टॉप होगा। इसके ठीक नीचे डायनेमिक्स। दोस्तों डायनेमिक्स कहने का मतलब, डायनेमिक्स एक ऐसा फीचर है जो केवल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में अवेलेबल है। जैसे आप कोई भी ड्रम्स, कोई भी एकॉस्टिक साउंड यदि यूज करते हैं, तो एकॉस्टिक में क्या होता है, जितना प्रेशर से आप हिट करते हैं ठीक वैसा ही उसके अनुरूप, उसके अकॉर्डिंगली वो साउंड प्रोड्यूस होता है। लेकिन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में ये फैसिलिटी दी गई है, आपने यदि डायनेमिक्स ऑफ कर दिया तो आपका जो साउंड है वो कांस्टेंट लेवल में रहेगा। मतलब आपके डायनेमिक्स प्लेबिलिटी से उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब फर्क ही नहीं पड़ेगा। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है मोड में क्या है, पॉलीफोनी और मोनोफोनी। दोस्तों यदि आप पॉलीफोनी रखेंगे तो ये कोई भी प्रेशर रोल, बज रोल बजाएंगे तो बीच का साउंड कटेगा नहीं, वो साउंड कंटिन्यू आपका प्ले होगा। अब इसके बाद सब। दोस्तों सब में क्या है, जैसे आपने SPD-30 में देखा होगा, SPD-20 आप यूज करते हैं, SPD-11 यूज करते हैं या SPD कोई भी सीरीज यूज कर रहे थे, तो आप उसमें यूज कर रहे थे लेयर ए और लेयर बी। वैसे ही आपके SPDSX में लेयर ए के बदले मेन वेव है और लेयर बी के बदले सब वेव है।
दोस्तों इसमें आप दूसरा वेव असाइन कर सकते हैं, मतलब आप लेयर यूज करके दो साउंड यूज कर सकते हैं। ये आपका पहले साउंड का पैरामीटर है जिसको आप मेन वेव कह सकते हैं या लेयर ए भी कह सकते हैं, और उसके बाद ये दूसरा लेयर है जिसको लेयर बी भी कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये सब वेव है। सब वेव में आप साउंड असाइन कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम कम या ज्यादा कर सकते हैं, और पैन भी चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों इस तरह से कीट पैड, मतलब आप कीट में पूरी पैरामीटर सेटिंग करने के बाद, पैड में साउंड असाइन करने के बाद, अब आपको इफेक्ट्स जिसमें आपको रिवर्ब, डिले, कोरस, फ्लेंजर, ये सब इफेक्ट हैं, यदि आपको ये सब इफेक्ट यूज करना है उसके लिए आपको एफएक्स में इन करना है। एफएक्स में इन करने के लिए इंटर में देखिए दोस्तों, जब आप इंटर करेंगे आपको तो यहाँ डिस्प्ले में दो चीज दिखाई पड़ रही है, एफएक्स वन और एफएक्स टू। दोस्तों मैं पिछली बार भी बोल चुका हूं, आपके एसपीटी एसएक्स में एक किट में दो तरह का इफेक्ट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका एफएक्ट वन, एफएक्ट टू, इसको एफएक्स वन और एफएक्स टू कहा जाता है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं एफएक्स वन में टच वाओ लगा करके रखा है और एफएक्स टू में वाइब्राटो लगा के रखा है। दोस्तों ये जब आप एफएक्स जब असाइन कर लेंगे, असाइन करने के बाद साउंड के साथ आपने जो मेन वेव और सब वेव में जो साउंड लगा के रखा है उसके साथ राउट करना जरूरी है। जब तक आप राउट नहीं करेंगे, उसको रूट नहीं देंगे, तब तक वो साउंड के साथ इफेक्ट मिक्स नहीं होगा। ये राउट करने के लिए मेन्यू बटन दबा के आपको वापस किट में आना, जो मैं कुछ देर पहले बताया था, सेम वही चीज मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये मैं सिर्फ प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं। अभी हमारा ड्राई साउंड है, ये जो मैं गिटार का लूप यूज कर रहा हूं, ये जो मैं गिटार का लूप यूज किया ये ड्राई था। अभी इसमें मैं एफएक्स वन यूज कर रहा हूं, अभी देखिए अब एफएक्स वन यूज करेंगे तो देखिए साउंड क्वालिटी कैसे चेंज होगी। और जब एफएक्स टू में यूज करेंगे, मतलब एफएक्स टू जब आप साइन करेंगे तो दूसरा इफेक्ट जो मैंने वाइब्रेटो लगा कर रखा था, वाइब्रेटो और आपका साउंड इफेक्ट ये दोनों मिक्स होकर के आएगा। ये देखिए मैं यहां से चेंज कर रहा हूं, अब इसको राउट, अभी मैंने एफएक्स वन में राउट करके रखा था, अभी इसको राउट एफएक्स टू के साथ कर रहा हूं। ये देखिए दोस्तों, किट पैड और एफएक्स ये तीनों मीनू के पैरामीटर को टच करके आप एक खूबसूरत सा किट बना सकते हैं अपने एसपीडीएसएक्स के अंदर। और इसके बाद आपके एसपीडीएसएक्स में ओवरऑल सेटिंग, मास्टर सेटिंग और साउंड की यूटिलिटी, मतलब आप साउंड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, प्लीज सब्सक्राइब स्वरित स्टूडियो।